सुप्रभात, मैं रश्मि, स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। पीएम मोदी की G20 तैयारी, बैठक में 5 दिसंबर को शामिल होंगी बंगाल सीएम ममता बनर्जी। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ऋचा चड्ढा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, गलवान घाटी संघर्ष पर किया था कमेंट। आबकारी नीति मामला, विजय नायर से ईडी 2 दिन और करेगी पूछताछ, कस्टडी बढ़ी। जामा मस्जिद विवाद, लड़कियों को बैन करने वाला फैसला लिया गया वापस। बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए प्रचार कर सकते हैं तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे ने की थी मुलाकात। ये तो थी सुर्खियां देश और दुनिया की, अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। बर्खास्त होंगे उत्तराखंड विधानसभा के 228 कर्मी, हाईकोर्ट ने फैसला सही ठहराया। विधानसभा बैकडोर भर्ती, हाईकोर्ट के आदेश पर बोली स्पीकर ऋतु खंडूरी, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। मसूरी चिंतन शिविर के तीसरे दिन विभागों ने दिया प्रेजेंटेशन, बताया भविष्य का रोड मैप। ऋषिकेश देहरादून में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाली आक्रोश रैली, अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।